मेरी गलती थी, मैंने थोड़ा सा ऐसा ओवरटेक मारी गाड़ी को और जाके गाड़ी आंटी जी को ठुक गई। कट्टर दुश्मन है तो हम इसलिए बोलते दोस्त रखो पर थोड़े कम रखो। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मैं विजनेश अधीचे एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बड़े दिनों के बाद व्लॉग लेके आया हूँ, पर व्लॉग में कुछ अलग होने वाला। आज क्या होने वाला पता नहीं, पर कहाँ जाने वाला हूँ पता है, पर थोड़ा सस्पेंस में रखते हैं तो तुम्हें भी मजा आएगा और मुझे भी बनाने में मजा आएगा। और बालों के ऊपर बिल्कुल भी मजा आना, क्योंकि बालों के लेंथ में थोड़े बढ़ा रहा हूँ। क्योंकि तुम्हें पता होगा मैंने इस व्लॉग में कहा था कि मैं अपने बालों की लेंथ थोड़ी बढ़ा रहा हूँ। और क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस बालों को लेंथ थोड़ी बढ़ा रहा हूँ। और बस यही था। और अभी जब तक मैं अपने बालों को फिर से सेट करता हूँ, थोड़ा बना बना लेता हूँ, ये तुम देख रहे हो जैसे कि, तो फिर जब तो यार मैं जब तुम्हें बता रहा था कि मैं अपने बातों की लेंथ बढ़ा रहा हूँ, कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है। अरे वो प्रोजेक्ट बनता है नहीं बनता, वो बात तो मुझे अभी तक भी नहीं पता है कि वो बनेगा कि नहीं बनेगा। क्योंकि यार तुम जानते हो हर एक इंडियन फैमिली में यही होता है, अगर बालों को बढ़ा रहे हो तो बालों को कटवाने के पीछे माँ बाप हाथ धो के पड़ जाते हैं। तो अभी मेरे साथ भी कोई वही सीन चल रहा है, पर फिर भी मैं सह रहा हूँ अभी तक और सह लेंगे ऐसा मैं सोच रहा हूँ। पर फिर पता नहीं किसकी चली है माँ बाप के सामने, और हमारी भी क्या पता चले नहीं चले, इसलिए मुझे पता नहीं प्रोजेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। पर अभी मैं तैयार हूँ और अभी हम राजेंद्र आने वाला है और फिर हम वहाँ से निकलने वाले हैं। और आज हमारे साथ दो बंदे और हैं। रुको सबर करो जरा, हर चीज एकदम धमाके से देखोगे क्या। पीछे हम आ चुके हैं नीमच माता जो कि उदयपुर में, और हमारे साथ आज एक नया बंदा है जिसके बारे में तुम्हें बता रहा था। तो ये राजेंद्र का ठीक है, तो इसका नाम गौरव है, और ये है एक कोइंसिडेंस कि इसका नाम गौरव और ये गोरा है, तो तुम देख सकते हो। कहाँ है तू? हाँ तो आना, तो अभी का हो? हम यही है नीमच माता, नीचे खड़े हैं। हाँ आ रहे, अभी एक और बंदा आ रहा है, वो पास में ही रहता है, वो आता है तब तक हम यहाँ बैठे, उसके बाद फिर हम ऊपर की ओर जाएंगे और थोड़े नज़ारे वज़ारे तुम्हें दिखा दूंगे। देखो रुको सब्र करो। भाई अपने बारे में कुछ? बस गौरव भाई नाम है अपना, बस ये इतना ही बोलेगा। देखो थोड़े बंदे शर्माते तो इसलिए थोड़े बोलते नहीं, बाकी ये पीछे के व्यू थोड़ा सा ऐसा है। और हम यहाँ पे एक बंदे की तलाश में थे, हम अभी तो उस तरफ थे वहाँ पे, और अभी हमें जाने भी वहाँ पे है उस वाले पहाड़ पे जो ऊपर की तरफ मंदिर दिख रहा है वहाँ पे, और वहाँ पे हम हमारे एक नया दोस्त है उसके लिए खड़े थे, पर अभी वो आएगा तो वो इस साइड से आएगा, तो हम फिर से उधर से घूम के यहाँ पे आ गए, और अभी हम यहाँ पे आके बैठे। और यहाँ पे हर रोज की तरह इस बार भी हमारे साथ, देख रहे हो तुम, समझ रहे हो। यहाँ पे तुम्हें पानी बड़ा कॉमन दिखता होगा पिछले के ब्लॉग में और इस ब्लॉग में, और थोड़ी जगह भी सिमिलर दिखती होगी, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे भी पास में घूमने वाली जगह है और सबके बीचों बीच सेंटर में पानी आता है, तो फिर पानी हर जगह दिखाई दे ही जाता है। तो यहाँ पे भी इस ब्लॉग में भी पीछे पानी है और पिछले वाले ब्लॉग में भी पानी था, तो ये क्या बीच का सेंटर का एरिया है, इसलिए यहाँ पे पानी तो है और दिखेगा। देखो बरसात तो लेनी पड़ेगा। आप देखो यहाँ पे हम हमारी गाड़ी लगा रहे हैं, ये मेरे कलेक्शन में आता है ये पुराना नोट, ये मैंने इसके पुराने नोट के बहुत सारे कलेक्शन कर रखे हैं। यहाँ से सफ़र शुरू हो रहा है और वहाँ ऊपर की ओर जाना। तू पहली बार आ रहा है ना? फिर तू दो तीन दिन पहले और अपना रोज हालतें टाइट होने वाली है लग रहा है, समझ। इधर से जाओ या इधर से मतलब दोनों एक जगह पे जाके ही मिलेंगे। और ये जो तुम देख रहे हो आगे की सीढ़ियाँ यहाँ रैंप पे, वहाँ आगे जाके सीढ़ियाँ हमारी कट्टर दुश्मन है, मतलब समझ रहे हो, कट्टर दुश्मन इसलिए क्योंकि हम इसके ऊपर ज़्यादा देर नहीं चल पाते हैं, क्योंकि हमारे वो स्टेमिना नहीं है, क्योंकि ना हम सुबह जल्दी उठते हैं ना रात को जल्दी सोते हैं। एडवांटेज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, सीढ़ियों से चढ़ोगे फिर भी
थकोगे, और अगर तुम यहाँ से चढ़ते हो घूम फिर के ऊपर की ओर फिर भी तुम थकने वाले ही हो। भाई इतने से चढ़े हालत खराब पसीना हो गया, ठंड में भी पता नहीं होगी होने वाला, इसकी भी खराब, इसको भी दिखाते हैं। 1000 किलोमीटर और चलना है, क्या पता क्या होगा। हमारा खराब, हमारा भी एक्सपीरियंस कुछ यही बोलता है। मैं एक बार आया था बचपन में आंटी जी के वैन में भर के, और उसके बाद अभी सांसें थोड़ी फूली हुई है और 250 मीटर और है और मुझे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था, तो इधर आया और मैंने सोचा थोड़े नज़ारे दिखाता हूँ। थोड़े नज़ारे कुछ ऐसे लोगों की मान्यता है कि जैसे घर बनाओगे वैसे घर मिलेंगे, 3-4-5-5-6-6 मंजिल के घर बना रखे, 4 पत्थर 4 मंजिल, 5 पत्थर 5 मंजिल। ये जो जगह तुम देख रहे हो ये जगह उदयपुर की सबसे ऊंची जगह, और हम यहाँ श्रद्धा के मामले से बहुत कम आए थे, हम यहाँ पे आए थे इस व्यू के मामले के से आए थे, व्यू को देखने के लिए आए थे, और जो आगे की तरफ व्यू है वो कुछ ऐसा है। और अब हम थोड़े पहले जहाँ गए थे दोस्त को लेने के लिए वो जगह वो थी, और दोस्त आए ही नहीं, तो हम इसलिए बोलते दोस्त रखो पर थोड़े कम रखो, बोलता तो नहीं मतलब आज बोल रहा हूँ, और बस इस व्यू के लिए हम आए थे। ज़्यादा तो श्रद्धा का भावना कुछ नहीं थी मेरी ज़्यादा, और झूठ काय को बोले जो है वो है, क्योंकि हमारे ब्लॉग में हमेशा असलियत होती है। पीछे की तरफ तुम भीड़ देख सकते हो, और अब हम थोड़ा थोड़ा प्रैंक होना शुरू हो चुके हैं कैमरे के सामने, होना पड़ता है यार, हर काम करना पड़ता है, समझ रहे हो। धीरे धीरे जब तक खुलेंगे नहीं तब तक लोगों के साथ ढलेंगे नहीं। और मंदिर कुछ ऐसा है पीछे, यहाँ पे जो भी है भगवान वो है। आप पर आगे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, सुकून जो ऊपर आके फिर धड़कनों की जो धीरे धीरे रफ्तार कम पड़ी ना इस नज़ारे को देखने के बाद, नीचे से ऊपर चढ़ के जो आ रहे थे तब थोड़ी सी धड़कने बढ़ गई और सांसें में तब कुत्ता हाँपता हो वैसे आ रहे थे, पर फिर धीरे धीरे जैसे ऊपर आ गए और इस नज़ारे को देखा, धीरे धीरे वाइब को ली, तो थोड़ा थोड़ा सांस में तब्दीली आई और थोड़ी सी दिल थोड़ा रिलैक्स हुआ, और अभी बहुत शांत शांत महसूस हो रहा है। अब उनको फतेह सागर दूध तलाई सज्जनगढ़, तो हमने दर्शन वर्शन तो कर लिए और अब हम फिर से नीचे की ओर जा रहे हैं ब्रो। अपना बंगला बनाया है यहाँ पे, और अब तुम्हें खा देता हूँ। ये कितने मंजिल का है? 1 2 3 4। ये देखो इधर साइड का इंटीरियर कितना सही है। हर बार की तरह हर इस बार भी हमारा सफ़र यहाँ ख़त्म होता है, और अब यहाँ से अब आगे की ओर काफ़ी पता नहीं, पर फिर भी ये तो यहाँ ख़त्म है। चढ़ते समय थोड़ा हमें प्रॉब्लम हुई थी पर उतरते समय तब खिसक के आ गए और अब आ गए, और अब चलते हैं आगे और कहीं पे जा रहे हैं या फिर घर पे जा रहे हैं, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, पर उससे पहले कुछ खाते हैं, देखते हैं।